नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल अंबे दुर्गा ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में मृत व्यक्ति के दिखाई देने का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सोते समय अक्सर हमें कई तरह के सपने आते हैं। कई बार हमें यह सपने भूल जाते हैं तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़ जाते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कुछ ना कुछ मतलब होता है। इस सपनों का संबंध हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं से होता है। कुछ सपने हमें आने वाली घटनाओं से आगाह करते हैं। कई बार हम अपने सपने में मृत लोगों को भी देखते हैं। जानिए मरे हुए लोगों को सपने में देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, यदि आपके घर का कोई सदस्य या फिर कोई दोस्त, सगा संबंधी जिसकी मृत्यु रोग के कारण हुई है और वह आपको सपने में स्वस्थ दिखाई देता है और हंसते हुए प्रसन्न दिखाई देता है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस सपने का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति को किसी अच्छे स्थान पर जन्म मिल चुका है और वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न है। अब दोस्तों, यदि आपका कोई जानने वाला मित्र, संबंधी आदि जिसकी मृत्यु हो चुकी है और वह आपको सपने में क्रोधित या फिर रोता हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब माना जाता है कि कोई अधूरी इच्छा रह गई है जो पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है। या फिर ऐसे सपने का संकेत यह भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो वह व्यक्ति नहीं चाहता है, तो इस तरह से आपको वह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि वह आपका कोई सगा संबंधी है तो आपका स्वयं उसकी आत्मा की शांति हेतु कुछ करना चाहिए, या फिर कोई अन्य है तो उसके परिवार से इसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अब दोस्तों, मृत्यु व्यक्ति से बातें करना। दोस्तों, कई बार हम अपने सपने में देखते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है हम उससे शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं। यह स्वप्न शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह होता है कि आपके रुके हुए कार्य जल्द ही पूर्ण होने वाले हैं और आपके साथ अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है।